दोस्तों, आपने पानी के ऊपर चलने वाले जहाज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या आपने कभी ऐसा जहाज देखा है जो पूरे गांव जितना बड़ा हो? जी हां दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे जहाज भी मौजूद हैं जिनके ऊपर एक पूरा गांव बसाया जा सकता है। दोस्तों, जब कभी भी बड़े बड़े समुद्री जहाजों की बात होती है तो हमारे जहन में टाइटैनिक का नाम जरूर आता है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद टाइटैनिक मूवी जरूर देखी होगी जो इसी जहाज के ऊपर बनाई गई थी। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाइटैनिक नाम का एक बहुत बड़ा जहाज 1912 में समुद्र के अंदर बर्फ के एक चट्टान से टकराकर डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, मरने वाले लोगों में कई लोग ऐसे भी थे जिनका पूरा शरीर बर्फ बन चुका था, क्योंकि जिस जगह पर जहाज पानी में डूबा था वहां का टेम्परेचर बहुत ही कम था। दोस्तों, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, लेकिन हम आपको बता दें, आज के समय में हमारे इंजीनियर भाई लोगों ने टाइटैनिक से भी बड़े बड़े और मजबूत जहाज बना लिए हैं, जिनको देखकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, क्योंकि ये जहाज देखने में किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। और इनकी विशालता देखकर आपको भी आश्चर्य होगा, क्योंकि इन जहाजों में 100-500 नहीं बल्कि कई हजार लोग सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम के रखना, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही क्रूज समुद्री जहाजों के बारे में जो अपनी विशालता और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। नंबर 10 हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है RMS क्वीन मैरी 2। दोस्तों, अगर इस जहाज की लंबाई की बात करें तो इस जहाज की कुल लंबाई 345 मीटर है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। मतलब अगर लंबी लंबी 25-30 बसों को भी मिला दिया जाए तो इस जहाज की लंबाई ज्यादा निकलेगी, और इस पर एक बार में 2620 पैसेंजर समुद्री यात्रा का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, इस जहाज की लग्जरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस जहाज को बनाने में 65 अरब रुपए का खर्चा आया। और इस जहाज की खास बात यह है कि जहाज बर्फीले तूफान में भी सफर कर सकता है। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज बर्फीले मौसम और बर्फीली चट्टान के कारण डूब गया था, और इसी बात को ध्यान में रखकर इस जहाज को बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ लैस किया गया है। इस जहाज की सिक्योरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जहाज अटलांटिक महासागर के बर्फीले मौसम में भी यात्रा कर सकता है। इस जहाज के अंदर एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर और डांस क्लब बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस जहाज के अंदर इंटरनेशनल लेवल का होटल और रेस्टोरेंट बनाया गया है। मतलब आपको दुनिया का सभी प्रकार का खाना यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों, आपको इस जहाज के अंदर आराम करने के लिए लग्जरी एसी रूम भी मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि ये कोई तैरता हुआ 5-स्टार होटल है। और इतना ही नहीं, इस जहाज को रॉयल मेल शिप के खिताब से भी सम्मानित किया गया है, इसीलिए इस जहाज के नाम के आगे RMS लिखा होता है। तो भाई साहब, अगर आप कभी आपको समुद्री यात्रा करने का विचार आए तो आप इस जहाज को चूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी जेब गर्म रखनी पड़ेगी। नंबर 9 हमारे लिस्ट में 9 पर आता है ओवेशन ऑफ द सी। ये जहाज एक जानी मानी इंटरनेशनल कंपनी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल का जहाज है, और इस जहाज की लंबाई 348 मीटर है, और इस जहाज का वजन सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस जहाज का वजन 168,666 टन है। ये जहाज दूर से देखने पर किसी बड़ी इमारत के जैसा दिखता है। इस जहाज में एक साथ 3905 लोग यात्रा कर सकते हैं। इस जहाज के अंदर हाई लेवल का रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल, बच्चों के लिए वाटर पार्क, डांस बार और इंडोर स्पोर्ट्स जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद है। और तो और, इस जहाज के अंदर एक बेहतरीन टॉकीज भी है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बहुत सारे भाई लोग तो जहाज के अंदर बस सिनेमा देखने आते होंगे। अगर स्पीड की बात करें तो इस समुद्री जहाज मैक्सिमम 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस जहाज को बनाने में भी 90 अरब रुपए की लागत आई थी। ये जहाज अपने आप में किसी छोटे शहर जैसा है, जहां खेलकूद से लेकर सिनेमा तक मौजूद है। इस जहाज का सफर चीन से शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जाकर खत्म होता है। नंबर 8 हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है एंथम ऑफ द सीज। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जहाज ओवेशन ऑफ द सीज सीरीज का ही हिस्सा है। लंबाई और वजन के मामले में ये जहाज ओवेशन ऑफ द सीज के ही बराबर है, लेकिन इस जहाज के अंदर 5,000 लोग यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बालकनी वाली बड़ी बड़ी इमारतें जरूर देखी होंगी। इस जहाज के अंदर भी 1570 बालकनी स्टेट रूम मौजूद है। इस जहाज के अंदर भी वो तमाम सुविधाएं मौजूद है जो पिछले जहाज में मौजूद थी। इसके अलावा इस जहाज में हिल क्लाइंब करने का भी ऑप्शन है, और इस जहाज की सबसे अनूठी चीज इसके ऊपर बना एक कांच का चैम्बर है। ये छोटा सा चैम्बर किसी को भी समुद्र में 300 फीट की ऊंचाई पर ऊपर उठा सकता है। मतलब जिस तरह क्रेन मशीन की मदद से हम 360 डिग्री घूम सकते हैं, ठीक उसी तरह इस चैम्बर की मदद से कोई भी इंसान 360 डिग्री ऊपर से पूरे समुद्र को देख सकता है।
इस रोमांचित करने वाले अनुभव का आनंद लेने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। दुनिया में बड़े बड़े वीआईपी लोग इस जहाज की यात्रा करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये है इतना खास। इस जहाज को बनाने में कुल 67 अरब रुपए का खर्च आया था। नंबर 7 हमारे लिस्ट में सातवें नंबर पर आता है क्वांटम ऑफ द सी। दोस्तों पिछले दिनों जहाज क्वांटम ऑफ द सी सीरीज का ही हिस्सा थे। वैसे दोस्तों हम आपको बताना भूल गए कि समुद्री जहाज भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जिन्हें कार्गो कहा जाता है और ये व्यापार करने के काम आते हैं, और दूसरा क्रूज शिप जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। क्वांटम ऑफ द सी की लंबाई 347 मीटर और वजन तकरीबन 168,000 टन है। इस जहाज में भी तकरीबन 4200 लोग यात्रा कर सकते हैं। इस जहाज की सबसे खास बात यह है कि इसके प्रत्येक कमरे में वर्चुअल बालकनी बनी है, जहां से इस यात्री समुद्र का नजारा दिख सकता है और नीले नीले समंदर के ऊपर मछलियों के स्टंट भी देख सकते हैं। इस जहाज में थी लग्जरी कैसीनो, स्टूडियो, स्विमिंग पूल, पार्क, लिविंग रूम और एक स्काई डाइविंग सिमुलेटर भी है, जिसकी मदद से यात्री हवा में 300 फीट तक उड़ सकता है। इस जहाज के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे रेस्टोरेंट मौजूद है। इतना ही नहीं, इस जहाज के अंदर एक बियर बार भी मौजूद है, जहाँ एक रोबोट आपकी मनपसंद कॉकटेल तैयार करता है। जहाज के अंदर एक क्लाइंब दीवार भी है, जहाँ आप पहाड़ चढ़ने का अनुभव ले सकते हैं। इस जहाज को बनाने में कुल 94 अरब रुपए का खर्च आया था। सिक्योरिटी के लिहाज से भी यह जहाज बहुत सिक्योर है, इसलिए आप भी इस जहाज की यात्रा करके एक बेहतरीन टूर का मजा ले सकते हैं। नंबर 6 हमारे लिस्ट में छठवें नंबर पर आता है MSC मिराविजलिया। भाई साहब इस जहाज का तो क्या ही कहना। 315 मीटर लंबा यह जहाज टेक्नोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। इस जहाज के ऊपर की छत LED से बनी है और इसकी मदद से आप वर्चुअल दुनिया को महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको जंगल का सीन देखना है तो पूरे जहाज की छत जंगल वाले सीन में बदल जाएगी और फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा जंगल हो। जहाज में एक साथ 45,100 यात्री यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों लाइव म्यूजिक शो, नाटक और कॉमेडी देखना किसे पसंद नहीं होता, और इसी बात को ध्यान में रखकर इस जहाज के अंदर ये सारी सुविधाएं मौजूद है। जहाज के अंदर चल रहे कॉमेडी शो को देखकर आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा किस समय आप बीच समंदर में जहाज पर बैठे हैं। जिम, थिएटर, कई सारे रेस्टोरेंट, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, मीडिया हाउस और न जाने क्या क्या इस जहाज पर मौजूद है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस जहाज को बनाने में 82 अरब रुपए की लागत आई थी। नंबर 5 हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है एडानोवा। ये दुनिया का पहला ऐसा क्रूज जहाज है जो LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलता है। इस जहाज की कुल लंबाई 337 मीटर और वजन है 183,900 टन। इस जहाज के अंदर भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट, दो प्राइवेट रूम, कैसीनो, वाटर पार्क आदि चीजें मौजूद है। इसके अलावा इस जहाज पर एक छोटा गोल्फ कोर्स भी है जिसमें आप गोल्फ खेलने का मजा ले सकते हो। इस जहाज पर अधिकतम 6,600 लोग यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर स्पीड की बात करें तो ये जहाज मैक्सिमम 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी को चीरते हुए दौड़ सकता है। इस जहाज को बनाते समय 78 अरब रुपए की लागत आई थी। नंबर 4 हमारे लिस्ट में 4 नंबर पर आता है ओएसिस ऑफ द सीज। इस जहाज को भी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल चलाती है, इसलिए हमें बताने की कोई जरूरत नहीं कि इस जहाज पर क्या क्या लग्जरी सुविधाएं मौजूद होंगी। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि इस जहाज पर बाकी जहाजों की तरह लग्जरी और 5-स्टार वाली सुविधाएं मौजूद है। एडवेंचर लवर लोगों के लिए जहाज बड़ा अच्छा है। नंबर 3 हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है एलियोर ऑफ द सीज। इस जहाज को साउथ कोरिया को HTX नामक कंपनी ने रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल के लिए बनाया था। 100 अरब रुपए की लागत से बने इस जहाज पर 26 अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट और एडवेंचर के लिए आइस स्केटिंग तथा एक पार्क भी बना है। इस जहाज की लग्जरी देखकर आप इसे 5-स्टार नहीं बल्कि 7-स्टार शिप कहेंगे। नंबर 2 हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है हारमोनी ऑफ द सीज। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाज है जिसमें 8,500 लोग यात्रा कर सकते हैं। ये जहाज पानी में तैरते समय ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा शहर पानी के अंदर ही तैर रहा हो। इसे भी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल ने बनवाया है। इस जहाज पर कैसीनो, थिएटर, गोल्फ कोर्स, वाटर पार्क, 12 रेस्टोरेंट, वर्चुअल बालकनी, स्विमिंग पूल, ग्रीन पार्क और भी बहुत सी चीजें मौजूद है। इस जहाज के अंदर 2 रोबोट आपको तरह तरह की ड्रिंक सर्व करते हैं। नंबर 1 और दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री क्रूज शिप सिम्फनी ऑफ द सीज की। इस जहाज की तारीफ करना मतलब सूरज को आईना दिखाने जैसा है। इसे रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल ने 2018 में बनवाया। इस जहाज के अंदर लगभग 9,000 लोग आराम से सफर कर सकते हैं। इस जहाज के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल रेस्टोरेंट मौजूद है। यहाँ पर 300 से ज्यादा अमेरिकन, इटालियन और चाइनीज डिश मिलती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस जहाज पर शॉपिंग मॉल से लेकर कैफे तक सब मौजूद है। इस जहाज पर रिकॉर्ड 24 स्विमिंग पूल बनाए गए हैं।
पैसेंजर के इंटरनेट के लिए इस जहाज पर थिएटर, टॉकीज, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट और तमाम तरह के स्पोर्ट्स मौजूद हैं। इस जहाज के बीचों बीच एक सेंट्रल पार्क बना हुआ है, जहां पर खड़े होकर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप किसी जहाज के अंदर मौजूद हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा आप किसी शहर के अंदर पार्क में बैठे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको इन क्रूज शिप में सबसे अच्छा कौन सा लगा हमें कॉमेंट करके बताइए।